नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, और बढ़िया हैं ही तभी तो ये वीडियो आके देख रहे हो, क्योंकि इतना नॉर्मल सा टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो इस टाइप के वीडियोस या इस टाइप के टॉपिक्स पे इंटरेस्ट नहीं रहता है लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, और मेरी लाइफ में भी सब कुछ करीब करीब बढ़िया ही चल रहा है तभी मैं ये वीडियोस बना पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला आपका और हमारा चलता रहे, और हम सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, उस लाइक बटन पर क्लिक करके, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं एक शानदार 34 ईयर्स के भाई का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आपको शो करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो है करीब करीब इनका 7th ग्रेड के आसपास का है, और इनका हेड साइज़ अगर आप गौर से देखें तो हेड साइज़ जो है एवरेज है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा बड़ा होगा या एवरेज के आसपास है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका जो डोनर एरिया है आप देख सकते हैं, डोनर एरिया भी एवरेज है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो एवरेज के आसपास है। उसी के साथ साथ अगर डोनर डेंसिटी की बात करें, डोनर डेंसिटी की अगर बात करें तो डोनर डेंसिटी भी एवरेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर घना है, वो अपने आप छोटे वालों में जिसका डोनर एरिया थोड़ा भरा भरा अलग ही दिख जाता है, वो चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो इनका वैसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही एवरेज डोनर एरिया है इनका। ग्राफ्ट क्वालिटी अगर बात करें, ग्राफ्ट क्वालिटी में इनके करीब करीब जो है अगर ट्राइकोस्कैन के माध्यम से या जो भी ग्राफ्ट निकालने के बाद देखा गया है, करीब करीब डबल्स ही ज़्यादा हैं, ना ट्रिपल्स ज़्यादा है ना सिंगल्स ज़्यादा है, सिर्फ डबल्स ज़्यादा है, तो वो भी एक एवरेज ग्राफ्ट क्वालिटी है। हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मीन्स बालों की क्वालिटी, मोटे बाल हैं, अच्छी बाल हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट इनकी जो एज है 34 ईयर्स के आसपास, मीन्स हेयर फॉल काफ़ी पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 7th ग्रेड के है, तो मस्त बाल अब कितने झड़ेंगे, उस हिसाब से प्रॉपरली अगर देखा जाए तो एक एवरेज प्लस हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कैंडिडेट है, मीन्स एक अच्छे गुड हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट है, मीन्स इस टाइप के कैंडिडेट को हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे लिया जा सकता है। मैं जो मीटर आपको देता हूँ इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो रहा है, ये अपने आप में आप भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कैंडिडेट कैसे हैं। और अगर मेरी कोई सलाह चाहते हैं, मेरे से कोई हेल्प चाहते हैं, तो आप अपने डोनर एरिया की पिक इस तरीके से मेक श्योर कि डोनर एरिया की पिक आप किसी से खिंचवाओ, खुद से खींचने जाओगे गड़बड़ कर दोगे, प्रॉपर फ्लाइट से डोनर एरिया की पिक किसी से खिंचवाओ और अपने बॉल्ड एरिया की पिक इस तरीके से खींच के मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कैंडिडेट कैसे हो, ठीक है ना। इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जैक्टली कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं, ताकि आप कहीं भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हो तो कोई आपको वैसा बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है। चलिए फाइनली इनका हम देख लेते हैं कि इनका जो प्रॉपर इनका जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से किया गया है। ग्राफ्ट्स का जो है ना, पहले ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से किस टाइप के ग्राफ्ट्स निकले हैं उस हिसाब से जो है प्लानिंग किया जाता है कि किसके ग्राफ्ट को किस जगह पे लगाना है, हेयरलाइन में सिंगल ग्राफ्ट्स लगाना है और जो मल्टीपल ग्राफ्ट्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना इस हेयरलाइन डिज़ाइनिंग के टाइम पे किया जाता है। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं 4000 ग्राफ्ट्स का जो है इम्प्लांटेशन किया गया है, शानदार इम्प्लांटेशन, फ्रंट में हाई में डेंसिटी दी गई है और पीछे स्प्रेडिंग में, चारों तरफ से देख सकते हैं कितना शानदार इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगा, और बहुत बड़ा इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस था, इस पर आप मेंटली इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर हो जाओ कि डेंसिटी नहीं आने वाली है, ठीक है। बाल की क्वालिटी अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा देखेगा, मीन्स गंजापन ढक जाएगा। ग्राफ्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, मीन्स मोटे मोटे ग्राफ्ट नहीं है, तो मीन्स दूर दूर थोड़े ग्राफ्ट दिख सकते हैं, रिजल्ट जो है थोड़ा सा लाइट में जो है ना हो सकता है इसके अब दिखे। ऑफकोर्स 5 मंथ का रिजल्ट है, इस चीज़ के लिए आपको जो है ना प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये मैं आपको क्यों बताता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि लोगों के मन में ये दिमाग भरा हुआ है। सबसे पहले ये लोग पूछते हैं भाई हमारे कितने ग्राफ्ट लग जाएंगे, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, 7000 ग्राफ्ट लगेंगे, 8000 ग्राफ्ट लगेंगे, भाई तुम्हारे कितने निकल पाएंगे ये भी तो देखो। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अबाउट कि आपके कितने ग्राफ्ट लग जाएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बेसिक प्लानिंग होती है, कितने निकल रहे हैं उस हिसाब से आपको कितना लुक दिया जा सकता है। ये हर बंदे का प्लानिंग सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली ये मीटर के जरिए इस चीज़ को समझा रहा हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप सर्जरी देख सकते हैं चारों तरफ से शानदार हुई है। उसके बाद इनका रिजल्ट किस तरीके से आया आप देख सकते हैं, पहले ये ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिखते हैं। और मुझसे कितना सुनोगे यार, भाई से ही सुन लो। मेरा नाम चंद्रमान मेरावी है, मैंने सर्जरी कराया यहाँ पे 13th of June को। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, इंटरनेट पे किया, यूट्यूब पे देखा, काफ़ी सारी यूट्यूबर्स से मैं पर्सनली कांटेक्ट किया, फिर क्लिनिक से भी कांटेक्ट किया, और ऑल इंडिया में जितने भी क्लिनिक हैं उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया। फिर मुझे सबसे अच्छा लगा हेयर रूट क्लिनिक का, मैंने यहाँ पर्सनली डॉक्टर से कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया, यहाँ का ओवरऑल एटमोसफियर, डॉक्टर्स का बिहेवियर, जिस तरीके उन्होंने सर्जरी की, और मैंने इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारे एक बजट के अंदर एक रिजनेबल कॉस्ट में सबसे अच्छा क्लिनिक मुझे न्यू रूट क्लिनिक लगा।
तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं से कराना है। काफ़ी सोचने के बाद फिर मैं फाइनली यहाँ से अपना ट्रांसप्लांट कराया और अभी आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं तो काफ़ी हैप्पी हूँ अपने रिजल्ट से, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी अच्छे रिजल्ट हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपका मेडिसिन और डाइट ये प्रॉपर तरीके से आपको 3 to 4 months तक आपको केयर करनी है। और आप जितने अच्छे से आपके डाइटिंग होगी, आप मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट एक अच्छे टाइम पीरियड में आपको मिल जाएंगे। सुन लिया, फाइनली इनका रिजल्ट देख लो, एक एक बाल हटा के आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है। कोई फाइबर नहीं है किसी भी प्रकार का, फुल लाइट में जेन्युइन रिजल्ट है, जेन्युइन रिजल्ट है। इसको अप्रिशिएट करो। इस वीडियो को लाइक अभी भी नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जो रियलिटी है ट्रांसप्लांटेशन की वही मैं आपको बताता हूँ। लोगों के माइंड में ये लगा रहता है कि पूरी तरीके से शाहरुख खान शाहिद कपूर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपके पास कैसा ग्राफ्ट क्वालिटी है, किस तरीके का डोनर एरिया है, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ये एवरेज प्लस जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट थे, उस हिसाब से आप रिजल्ट देख सकते हो। अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू देख सकते हो कि थोड़ी सी लाइट जो है ना छन के स्केल तक जा रही है। ऑफ कोर्स 5 months का रिजल्ट है, लाइट छन के स्केल तक जा रही है, बहुत ही नॉर्मल है ये, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है ना। कोई भी आपको ऊपर से इतना नहीं देखने वाला है, सामने से देखने वाला है, ठीक है। ऑफकोर्स 5 months का रिजल्ट है, अभी और रिजल्ट इनका आना बाकी है, बट ये ही रियलिटी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में डेंसिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, एरिया कवरेज की आपको उम्मीद करना है। डोनर एरिया देख सकते हो, डोनर एरिया अभी भी इनका इतना अच्छा है कि इन फ्यूचर आप एक और सेशन ये ले सकते हैं। और डोनर एरिया छोटे बालों में भी काफ़ी हद तक हील है। इसका रीज़न यही है, शार्प और न्यू पंचेस यूज़ करना। नए पंच यूज़ करने से ये हो जाता है कि जो नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो ब्लंट नहीं होते, मोतले नहीं होते, तो ईजिली स्किन के अंदर जाता है और स्कार्स भी कम से कम आता है और नीट एंड क्लीन डोनर एरिया रहता है, स्कार्स बहुत कम आते हैं। इसीलिए थोड़ा सा खर्चा करो और अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, जो कि आपके ऊपर नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें हर बार, ठीक है ना। उससे ये हो जाता है कि आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन डोनर एरिया, पता ही नहीं चल रहा कि इनके डोनर एरिया से कभी भी ग्राफ्ट निकालेगा। क्राउन एरिया पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इतना बड़ा क्राउन एरिया था उसमें कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि इनके जो कहीं से इनके बाल पहले झड़े हुए थे। आप एक्चुअल में क्राउन एरिया एक सेशन में नहीं करना चाहिए, लेकिन इस केस में इनका कर दिया गया है और रिजल्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा आ गया है। लेकिन कई सारे केसेस में क्राउन एरिया की सर्जरी जो है ना फर्स्ट सेशन में ही कई सारे क्लिनिक जो है कई सारे केसेस में नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इस क्लिनिक में भी वही चीज़ है, नहीं कर पाता, लेकिन कई पेशेंट के साथ ये हो जाता है क्योंकि ग्राफ्ट अच्छे निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है, तो फिर वो क्राउन एरिया कवर कर दिया जाता है, जो कि इस केस में भी सेम ऐसा ही हुआ है। और इन फ्यूचर इनका डोनर एरिया है ऐसा कि ये फ्यूचर और डेंसिटी अपना बढ़वा सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। ये जो रिजल्ट है बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट है। आप भी अगर अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हो या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो मुझे, इस नंबर पर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ एक नया चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ, कमेंट ऑफ द डे। जी हाँ, कमेंट ऑफ द डे। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आप में से कई लोग जो ना कमेंट का भी मैं रिप्लाई दे दूं। तो एक भाई ने जो है कमेंट किया था पिछले एक वीडियो में कि भाई अब अगर इतने ऑनेस्टी से कर रहे हो तो भाई क्लिनिक में जाके विजिट करो, सर्जरीज दिखाओ, क्लिनिक में बैठो, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ कमेंट था, आप देख लीजिएगा मैंने लगा दिया है। तो भाई देखो, मैं एक्चुअली में इंजॉय करता हूँ ये चीज़ के क्लिनिक में जाके विजिट करूँ, मैं लोगों से मिलूँ, मैं सर्जरीज दिखाऊँ आपको, ये सारी चीज़ मैं इंजॉय करता हूँ। एक्चुअली मैं खुद चाहता हूँ आप लोगों से मिलना, ठीक ना, क्लिनिक में जाके बैठ के कि भाई दिखाऊँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं इतना वेला नहीं हूँ यार, जॉब रहता है, अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर मैं उठ के जाके क्लिनिक में जाके बैठूं तो इतने फ्री नहीं है भाई, हम इतने फ्री नहीं। मैं एक PRP लेने के लिए तो क्लिनिक नहीं जा पाया। आज से 2 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करीब करीब मैंने कराया था, उसके बाद मैं क्लिनिक आज तक नहीं गया। इसका आंसर एक और जो लोग पूछते हैं कि भाई कई लोग केरला कर्नाटका से आते हैं जो ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उन लोगों को लगता है कि भाई कि हर हफ्ते या हर 10 दिन में हर महीने क्या क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। नहीं, मैं पिछले 2 साल से एक बार भी क्लिनिक विजिट नहीं किया हूँ, एक भी PRP नहीं लिया है। तो ये मिथ है एक तरीके से कि बार बार आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। PRP लेना अच्छी बात है, ठीक है, PRP के लिए आप ले सकते हो, एक दो PRP जो भी फ्री मिलता है। खैर, इस कमेंट का आंसर यही है कि मैं इंजॉय करता हूँ ये सारी चीज़ें, कि मैं क्लिनिक में जाके वीडियोस बनाऊँ ये सारी चीज़ें, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गॉड नोज मौका मिलेगा तो बिल्कुल बनाएंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।